alaikum, dear participants. I am Dr. Afshin Fatima. I am I welcome you all in today's seminar on the topic of life without planning. Our keynote speaker for today's event is Mr. Yasser Varaj. Mr. Yasser Ali Varaj is CEO, IT, Sarkar and scientific planner, Pakistan. He is an entrepreneur, transformational coach, business consultant. He is empowering youth as well as the businesses with skills, knowledge, and transforming lives with technology to break the chain of poverty and slaves. Moreover, he is an expert in business modeling, system analysis, websites, digital marketing, media planning, content management to develop or improve brand identity. Now, let us move towards our keynote speaker for today's session. I would request all of my participants to please keep their questions and at the end of the session we will be taking the questions. Thank you very much. Now without any delays, let us move towards our keynote speaker, Mr. Yasevaraj. Sir, can you hear me? Can you please start now? जी बिल्कुल आपकी डॉक्टर अफ़शीन थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपकी आवाज़ भी आ रही है. आई होप आप लोग मुझे सुन रहे होंगे. यस सर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्टली. वी कैन हियर यू. जी थैंक यू. इज uh, all all किया स्पेशली फॉर माइंड डिवेलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कि कैसे आप लोग अपने एग्जिस्टिंग माइंड सेट को चेंज करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं तो इसके लिए हमें बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट uh, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे लिए कि आपकी प्लानिंग को कैसे बेटर किया जाए और प्लानिंग जाहिर है जब विदाउट प्लानिंग होते हैं तो प्लानिंग की जाती है uh, डॉक्टर अफशीन आप ये जो स्लाइड शो किया हुआ है इसको अगर आप क्लोज कर दें तो ज्यादा बेटर होगा जी थैंक यू अच्छा जी सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जिंदगी में जैसे पढ़ने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहे होते हैं और जिंदगी का सारा दारदार आपके सिर्फ स्टडीज़ पे नहीं होता ओवरऑल एक लाइफ की प्लानिंग होती है और वो लाइफ की प्लानिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा हम एक्सप्ल करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है आपने क्यों करना है सभी कामयाब लोग प्लानिंग के साथ ही क्यों चलते हैं विदाउट प्लानिंग क्या ऐसी जिंदगी में प्रॉब्लम है जो आपको फेस करने पड़ते हैं तो एक छोटा सा ओवरव्यू एक जनरल डिस्कशन एक इंटरेक्टिव डिस्कशन और आपके आप जो दिमाग को ताले लगे होते हैं उनको थोड़ा सा ओपन करने के लिए इस टॉपिक को चुना है क्योंकि हम सब लोग नॉर्मली ऑटो मोड पे लगे होते हैं हमें जो भी एक रास्ता दिख जाता है या कोई लोग चल रहे होते हैं भेड़ चाल की तरह हम भी उसमें सारे चल पड़ते हैं अपने लिए कुछ सोचने का हमें टाइम भी नहीं मिलता ना ही हम बेटर वे में सोच पाते हैं ना हमें डायरेक्शंस मिलती हैं ये तो इंटरनेट का और बहुत सारी ऐसी नई जदीद चीजों का शुक्र अदा करना चाहिए हमें ऐसी चीजें ऐसी नियमते आ गई हैं कि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर घर बैठ के ले सकते हैं और वर्ल्ड क्लास नॉलेज और स्किल्स को भी सीख सकते हैं तो देखें, सबसे अहम चीज़ जिस पे मैं आपका फोकस कराना चाहता हूं कि हम अगर किसी पार्टी में जा रहे हो और पार्टी में जाने से पहले हम प्लान करते हैं कि हमें शूज कौन से पहनने हैं हमें सॉक्स कौन से पहनने हैं शर्ट कौन सी हो टाई का क्या कलर होना चाहिए अपनी मैचिंग का ख्याल करते हैं कटिंग का ख्याल करते हैं ये सारी हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है अगर हमें आ, आपको इस्लामाबाद से लाहौर जाने का को प्लान हो कुछ एंटरटेनमेंट का कोई मूड हो या वैसे किसी भी तरह से आप जाना चाह रहे हो तो आप प्लान करते हैं कि मुझे इतने बजे जाना है इतने बजे की बस पकड़नी है बस इतने बजे जाएगी या ट्रेन इतने बजे जाएगी यहां मैं पहुंचूंगा वहां से रिक्शा लूंगा क्रीम लूंगा तो सारा एक माइंड में स्केच बनाते हैं हम अपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो 99 नाइन परसेंट दुनिया में अपने लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं कर पाते उनके माइंड में कोई विजन होता ही नहीं वो सिर्फ ऑटोमेटिक मतलब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ कजन कर रहे हैं तो मैं भी वो डिग्री कर रहा हूँ दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ अगर मेरा दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ अगर मेरे वालदे ने मुझे फोकस कराया कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर या मुख्तलिफ तरह की फील्ड में किसी में जाना है तो मैं चले जाता हूँ या मेरा मेरिट नहीं बना तो मैं इस डिग्री में एडमिशन ले लेता हूँ या खुदा की तरफ से इतफाक़न किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं और बस आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता वो चार साल वो डिग्रिया चाहे चार की हैं या दो साल की हैं या आप पी करते हैं लेकिन आप लगे रहते हैं अल्टीमेट एक गोल सेटिंग प्लानिंग नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ा अलमिया है इसको आज हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है होता इस तरह है कि आप लोग आपको यानी exactly पता होना चाहिए कि जिस तरह अभी कोरोना आया और आप लोगों ने पिछले साल से कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी कोरोना को जानना शुरू किया कोरोना से बचने के बारे में आपने सोचा अगर हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? देखें कितने आप कॉन्शियस होते हैं अपने छोटे से मैटर के लिए छोटे से प्रॉब्लम के लिए लेकिन पूरी जिंदगी जो एक इतना बड़ा जर्नी है उस जर्नी के बारे में आप नहीं सोचते ना सोच पाते हैं ना प्लान करते हैं और ये क्यों नहीं करते वो इसलिए नहीं करते कि आपके इर्द गिर्द कभी किसी ने प्लान किया नहीं होता कभी किसी का प्लान देखा नहीं होता कभी किसी का प्लान सुना नहीं होता अगर सुन लेते हैं तो ध्यान नहीं दिया होता और अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे भी लेते हैं तो उस पर फोकस करके चले नहीं होते आपको ये तो पता चल जाता है कि आपने लाहौर जाना है इंपॉर्टेंट है लेकिन सफर शुरू नहीं करते और वो सफर ना शुरू करना वो आपको हमेशा मंजिल तक पहुंचाता ही नहीं आप वहां तक जा ही नहीं पाते जहां तक आपको आपकी आ, गोल सेटिंग में आपके वो अहदाफ छोटी छोटी ऐसी चीजें जो आपने सेट करनी थी जो आपने अपने आप को बताना था कि मैं एक फ्ला शख्स हूँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं, मैं, मैं एक क्रिएटर हूँ मैं डिजाइनर हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ बनना चाहता हूँ लेकिन इसमें दो चीजों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आज ही आप बैठ के अपने पेपर और पेन के इस्तेमाल से अपनी तमाम क्वालिटीज और तमाम ख्वाहिशात और तमाम वो सारी नेगेटिविटी uh, उन सबको राइट डाउन करके कम से कम एक चीज जरूर क्लियर करें कि आपने अल्टीमेट यानी बनना क्या है आपकी वो ख्वाहिश क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं क्योंकि जब तक आपके सामने एक बड़ा गोल एक बड़ा विजन सामने ना हो तो आप कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते ये प्लानिंग विदाउट प्लानिंग जो लाइफ है वो आपको छोटी सी जॉब छोटा सा एक ख्वाहिश पूरी करने तक तो आपको ले जाता है मतलब आप ऑटोमेटिक एक प्रोसेस में गए एक डिग्री की कंप्लीट किया उसके बाद धक्के खाए या किसी को फॉलो किया किसी दोस्त की तरह या किसी रेफरेंस से आप किसी कंपनी में अटैच हो गए लेकिन आपने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया आपने अपने को नहीं बताया कि मुझे किस डेजिग्नेशन तक जाना है क्या मुझे मतलब डायरेक्टर लेवल तक जाना है क्या मुझे सीईओ बनना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनना है कम से कम मैनेजर बनना है तो वो बनना कैसे है ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है थोड़ा मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप लोग क्रिकेट तो सारे देखते हैं और अगर किसी ने क्रिकेटर बनना हो यानी पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होना हो तो वो कोई दो चार साल में या इतफाकन आपकी एंट्री नहीं हो सकती आपने बचपन से एक हाई लेवल का गोल माइंड में रखा कि मुझे पाकिस्तानी टीम में जाना है या पाकिस्तान के जो पंजाब लेवल में या अंडर सेवनटीन में अंडर नाइनटीन में मुझे सिलेक्शन अपनी करानी है जो कुछ मर्जी हो जाए मुझे वहां तक पहुँचना है अब एक बड़ा गोल अगर आपने सेट कर लिया तो फिर आप छोटे छोटे रोजाना उसके बारे में इकदाम करते हैं प्रैक्टिस करते हैं खेलते हैं आप एक एक में नहीं, एक ही गोल को अचीव करने के लिए डाइवर्सिफाइड स्किल्स और नॉलेज को इकट्ठा करते हैं यानी आप कैच पकड़ना सीखते हैं आप डाइव लगाना सीखते हैं आप बैटिंग करना सीखते हैं आप प्रेशर को लेना सीखते हैं आप क्राउड का शोर सुनना सीखते हैं आप नेगेटिविटी लेना सीखते हैं कितना कुछ होता है जो आपको एक गोल अचीव करने के लिए फेस करना पड़ सकता है इसी तरह दुनिया में जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं या वो बच्चे जो कोई आर्टिस्ट अपने आप को नहीं बनाते अपने माइंड में वो आर्टी, आ, आर्टिस्टिकल अप्रोच नहीं होती तो उनका हमेशा विजन थोड़ा कमजोर रहता है यानी बुक्स में तो बहुत अच्छे होते हैं बुक्स में तो आप बहुत अच्छी अच्छी सी जी पी ले जाते हैं फोर बाय फोर आ रही होती हैं लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आते हैं जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आता है कि आपसे तो लोग आपके स्किल्स के बारे में पूछ रहे हैं आपको आता क्या है परफॉर्मेंस करके दिखाएं तो लोग आपको मानते हैं ठीक है और वो परफॉर्मेंस कैसे आप आती है ये तो जाहिर है क्लियर है कि आपने देने के लिए ये छोटे-छोटे स्टेप लिए होते हैं आज जैसे आप में से अगर ज्यादा कम्युनिटी मेरे ख्याल में बिजनेस स्टूडेंट्स की है तो आप जब ग्रेजुएट होते हैं या एम कर लेते हैं एम कर लेते हैं पी कर लेते हैं तो आप अल्टीमेट गोल अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या किसी एक कंपनी में छोटा सा डेजिग्नेशन लेना और उसके बाद के बारे में नहीं सोचा तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे आप दो चार पांच साल जो किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे वो आपके फ्यूचर को इफेक्ट नहीं कर रही होगी वो आपके यानी कोई बड़ा कुछ बड़ा करके दिखाने वाला काम नहीं होगा सपोज तो आप आज एक बिजनेसमैन बनने की आपने एजुकेशन ली आपने एंटरप्रन्योरशिप पढ़ी आपने मैनेजमेंट पढ़ी मार्केटिंग पढ़ी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे टूल्स और टेक्निक सीखी लेकिन इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन और रियल लाइफ में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ठीक है? और वो कौन सा गोल आपका गोल क्या है यानी आपने जो एक बड़ा गोल अचीव करना है कहीं कहीं पहुंचना है तो वो पहुंचने के लिए आपने छोटे छोटे प्लानिंग्स की मुझे इसके लिए अपनी अ टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना है मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को बढ़ाना है मुझे अपनी सेल्स टेक्निक्स को बढ़ाना है मुझे अपनी अपनी मार्केटिंग करना आनी चाहिए ठीक है अब होता क्या है कि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं लेकिन हमें अपने आप को सेल करना नहीं आ रहा होता क्योंकि हमने प्लान नहीं किया होता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सपोज आपने आज किसी कॉरपोरेट कंपनी को ज्वाइन करना है या सपोज हमारी कंपनी को ज्वाइन करना है तो हम भी एक कॉरपोरेट कंपनी हमारी तो एक कॉरपोरेट कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिस जिसनेशन को आप अचीव करना चाहते हैं फर्ज करें आप मार्केटिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं आई सरकार में तो वो कैसे बन पाएंगे उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी होंगी वो अगर स्किल्स पे काम करना शुरू करूं तो कौन कौन से लोगों का या कौन से नॉलेज इकट्ठा करना होगा किन लोगों से मुझे सीखना होगा क्योंकि एक और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं कि हम बड़ा सोचना चाहते हैं बड़ा अचीव करना चाहते हैं समटाइम हमें यह भी पता होता है कि हमें छोटी छोटी प्लानिंग्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है या मुझे ये कंटेंट राइटिंग सीख लो डिजाइनिंग सीख लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीख लो नेगोशिएशन स्किल सीख लो ये सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं और वो क्यों नहीं सीखते क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी को उस्ताद तो बनाया नहीं होता या उस्ताद तो होते हैं उनको दिल में और दिमाग में जगह नहीं दी होती यानी उनसे वो जो पूछने का अंदाज है वो आपका उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका उस्ताद या आपका मेंटोर, आपको हाथ पकड़ के तो कोई नहीं लेके जाएगा आपको डायरेक्शन दे दे राइट डायरेक्शन दे दे वहां पहुंचने का रास्ता बता दे आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है सही बस का पता हो कि भी यहाँ से किस पे बैठना है ये ना हो कि आप अड्डे पे जाएं और वहां जाके आप पूछें कि मुझे टिकट चाहिए और वो पूछें कि कहाँ जाना है और आप कहें मुझे तो पता नहीं है बस कहीं का भी दे दें ठीक है और आप गाड़ी में चढ़ गए इधर से घूमे वहां गए वहां से घूमे वहां गए और क्योंकि आपने कोई डिसाइड ही नहीं किया था आपने कहीं पहुंचना ही नहीं था जब पहुंचना ही नहीं था तो आपको सही वाला रास्ता तो कोई नहीं दिखा सकता सपोज मैं आपको बताता हूं यानी हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं उनमें से अचीव वही कर पाते हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करते हैं कि मुझे कौन सी एक खास शोबे में बहुत ऊपर के लेवल पे जाना है ठीक है जब वो ये सोच लेते हैं यानी कुछ लोगों का माइंड में होता है कि मैं बस ऐसे सारी चीजों को सारी कंपनी को होल्ड करना समझना और सीईओ और बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाना बस इसी में कामयाबी है ऐसा कभी भी नहीं होता हमेशा आप तरक्की करते हैं जब आप किसी मकसद के लिए अपने आप को डेवलप करते हैं अपना वो जैसे आपने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा सेवन हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल तो उसमें हैबिट्स जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो अपने आप को पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है यानी शार्पन द सा एक टेक्निक है कि आप अपना आपको तेज करते हैं इतना तेज करते हैं कि आप जब किसी खास काम के लिए जाएं, तो वहां वो एग्जेक्ट परफॉर्मेंस दे पाए सपोज मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ अब एक शख्स अगर मेरी कंपनी में मार्केटिंग एग्जेक्टिव आता है मार्केटिंग मैनेजर बनता है तो उसे टारगेट उसके लिए होता है कि उसने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो जरूरी इकदाम होने चाहिए वो करने हैं अब अगर तो उसे यानी एक गोल उसने नहीं सेट किया कि मुझे इस मंथ में इतनी रेवेन्यू जनरेट करना है और इस रेवेन्यू के बदले कंपनी मुझे इतनी अप्रिसन या कमीशन प्रोवाइड करेगी अगर ये उसके माइंड में नहीं तो वो अचीव भी नहीं कर पाएगा ठीक है अगर उसके माइंड में वो टारगेट सेट नहीं है प्लानिंग नहीं है तो वो कोई फिगर भी यानी बिना फिगर के बिना एक सिलेक्शन किए कि आपने बनना के है कहां पहुंचना है किधर जाना है किससे पूछना है अच्छा ये बड़ा एक और इंपॉर्टेंट चीज किससे पूछना है समटाइम ये होता है कि आप बहुत काम की बात एक नाकाम बंदे से पूछ रहे होते हैं और वो आपको और भी नाकाम बनने का बेहतरीन मशवरा दे देता है ठीक है और फिर आप बस उसी पे चलते रहते हैं और आपको समझ ही नहीं आती आपने जाना कहाँ है टाइम यही नाकामी का जो आंसर है जो आपकी गोल सेटिंग में एक रोल प्ले करते हैं वो पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं कि आप एक नस्ल के हिसाब से अलग तरह के जानवर होते हैं और वो आपको और तरह के जानवर बनाना चाह रहे होते हैं आप एक सॉरी टू से मिसाल के लिए या एक फन के लिए बात कर रहा हूँ कि आप एक बंदर हैं और वो आपको मछली बना रहे हैं आप एक चीते हैं शेर हैं शेरनी हैं और वो आपको मुर्गा बना रहे हैं तो वो वो मैच नहीं करता यानी आप में से बहुत सारे लोग पॉसिबल है कि आप में से किसी ने सिंगर बनने का सोचा हो या ख्वाहिश हो अब ख्वाहिश जिस चीज की हो तो उसको अचीव करना और भी आसान होता है एक होता है कि आप ने नहीं सोचा किसी ने बताया डायरेक्शन दी और आपने वो चलना शुरू कर दिया कि भाई लाहौर जाके आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं या सपोज आप इस्लामाबाद में पढ़ेंगे इस्लामाबाद में अच्छे इदारों में पढ़ेंगे अच्छे बच्चों के साथ आपके रिलेशन होंगे एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो आप बहुत अच्छे से आगे कंपीट कर सकते हैं नई स्किल्स होंगी लेकिन एग्जैक्टली आपको ये पता ही नहीं कि उसके बाद मैंने क्या करना है किस तरह की कंपनी में जाना है या बनना क्या है या मेरी ख्वाहिश क्या है जब वो ख्वाहिश क्लियर नहीं तो आप कुछ बड़ा करने के बारे में अपने आप को तंगी नहीं करते आप वो कंफर्ट जोन में रहते हैं आसानी आसानी से हो जाए वो चाहे फोर बाय फोर क्यों ना आ जाए लेकिन वो आसानी आसानी से हो जाए जहाँ कुछ थोड़ा सा मुश्किल आए वहां से थोड़ा सा खिसक लिए रास्ते बदल लिए बार बार ना किया अब जैसे हमारी कंपनी में हमें अपने क्लाइंट्स को हंड्रेड परसेंट एक देनी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन में आ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या कोई वेबसाइट है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो एग्जैक्टली exactly वैसी वेबसाइट चाहिए जैसे वो चाह रहा है या उससे भी बहुत अच्छी ठीक है जीरो परसेंट एरर के साथ क्योंकि एरर तो काबिल कबूल ही नहीं टेक्नोलॉजी में अगर आप टू प्लस टू करें और जवाब पाँच आ जाए तो फिर तो काम गलत हो गया ना अब वो हंड्रेड परसेंट डेकोरेसी लाने के लिए तो जाहिर है आपको टू हंड्रेड परसेंटी से और दिमाग को एक्टिव करके काम करना पड़ता है आपको वो सोचना पड़ता है कि अगर मैंने पहले से डिसाइड किया होता ना मैंने वो बड़ी मंजिल तक जाना है मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचने हैं मैंने पांच पांच हजार की वेबसाइट नहीं बेचनी मैंने पांच पांच लाख की एक वेबसाइट देनी है मैंने पचास पचास लाख का एक सॉफ्टवेयर बेचना है तो वो जब आप बड़ा सोचेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे छोटा सा सोचेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर बस वो क्रिकेट में जैसे सेंचुरी का अगर सोचा नहीं तो आप पिच पे टिके नहीं अगर आपने छोटा सा ही सोचा या सोचा कि बस गुजारा कर लो आज थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए बस आज का नाम गुजर जाए आज मेरी बेस्ती ना हो आज मुझे कोई ना कहे कि आज मैं क्या कर रहा हूं ठीक है या अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाले कहें कि आज तो बड़े एक्टिव थे या इस महीने बड़ा अच्छा काम किया आगे क्या बनेगा यानी जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में क्या सोचा तो ये अल्टीमेट मैं आपको ये बताऊं कि आपको घूम फिर के अपने आप पे ही काम करना पड़ेगा आप में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है हर शख्स को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए घर चाहिए अपना एक नाम चाहिए या कमस कम खुशाली चाहिए, से कम खुशहाली चाहिए कि जिसमें वो आसानी से जिंदगी गुजर रही हो और अच्छा खा पी रहा हो अच्छी लाइफ हो घर में सुकून हो तो ये ये भी सारे गोल्स हैं जो कि आपने सोचे नहीं होते सम छोटा सा सोचा होता है समटाइम आप सिर्फ बाइक पे ही खुश होते हैं ठीक है, हालांकि ये नहीं कह रहा कि भी आप बाइक आ जाए तो आप उसको मतलब कहें कि नहीं ये मेरा गोल नहीं था उसको आप अपने आप को अप्रीशियट करें कि मैं पैदल था शुक्र अलहमदिल्ला मेरे पास ये आ गया लेकिन मेरा गोल बड़ा है मुझे बड़ी चीज पे जाना है या बड़ा अचीव करना है जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल दू मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मुझे आप, मतलब फैमिली में सराउंडिंग में दोस्तों के पास ऐसे सर्कल में मैं देखता और घूमता फिरता था जहां मेरे टीचर्स से ज्यादा कामयाब लोग मुझे नजर आ रहे थे तो मुझे लगता था कि भी ये मतलब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ या जिन लोगों के सर्कल में हूँ मुझे बनना क्या है और मैं हूं कहाँ किन लोगों में मुझे रहना चाहिए ठीक है आज अगर मैं इन लोगों में हूं तो मैं क्या सीख रहा हूं कल को मुझे किन लोगों में बैठना है जो मुझे इससे आगे ले जाएंगे क्योंकि आप आपकी कम्युनिटी बहुत असर करती है आपके दोस्त आपके दिमाग पे और आपके फ्यूचर पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बड़े गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच रहा है उसने हाई आ, एम्बिशं बनाए हुए हैं और वो मुसलसल छोटे छोटे स्टेप लेके अपने काम जारी रखे हुए हैं तो आप ऐसे दोस्त को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दें और उसके साथ साथ रहें क्योंकि ऐसे लोग बहुत कीमती और नायाब हैं 99% परसेंट लोग विजन हैं कुछ पता नहीं है बस ऑटोमेटिकली आपने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की ऑटोमेटिकली आप पी तक भी चले गए ना तो आपने जॉब के बारे में सोचा कि आपको एग्जैक्टली exactly जॉब क्या चाहिए क्या जॉब के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है या पूरी दुनिया बड़ी है आपके लिए को बड़ा अचीव करने के लिए तो ये किस्सा मुख्तर क्योंकि मेरा फील्ड पढ़ाना नहीं है ट्रांसफॉर्म करना है मेरी फील्ड आपको डायरेक्शन देना है मेरी फील्ड में लोगों को इसलाह करना है और मेरी फील्ड में स्किलफुल बनाना है तो मैं आपको ये आ, बावर कराता हूं कि अगर आप वाकई थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा हो के एक लिस्ट बना लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज एक लिस्ट ने ही किया कि मैंने जब अपने सारे के सारे नेगेटिव पार्ट्स लिखे कि मैं किन वजूहत की वजह से प्रॉब्लम में हूं मुझे क्या क्या नहीं आता क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या नहीं आता तब प्लानिंग हो पाती है जब आप ये जान ही नहीं पाते कि आपको क्या नहीं अपनी फील्ड में अपनी फील्ड में बड़ा अचीव करने के लिए आपको पता हो कि मुझे क्या क्या नहीं आता फिर जो नहीं आता वो किसको आता है वो क्या मेरे टीचर को आता है दोस्त को आता है मेरे कंपैटर को आता है वो इंटरनेट पे पड़ा है यूट्यूब पे है वो कहाँ है वो प्रैक्टिकली किसी कंपनी में मुझे मिलेगा एज इंटर्नशिप करके मैं अचीव कर पाऊंगा आखिर में मतलब मैं कहाँ से अपनी उस सीढ़ी पे पहला कदम रख पाऊंगा जो मुझे मंजिल की तरफ लेके जा रही है अब देखें इसमें एक और मैं आपको बताऊं कि आपको प्रायोरिटीज भी सेट करनी पड़ती हैं कि आप प्लानिंग कर रहे होते हैं मतलब आपने प्लानिंग की मैं ये स्टार्ट से एंड तक सारे टॉपिक को इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपको थोड़ा इन डेप्थ पता चल जाए कि अगर सोच ही लिया है अगर बड़ा सोचने का मूड बना ही लिया है तो उसको प्रायोरिटाइज कैसे करें उसको कैसे लेके चले उसके लिए वाकई कुछ अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो वो अचीवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ आपने प्रायोरिटाइज करना है और अपनी सक्सेस को मुमकिन बना पाएंगे तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन रिलेशनशिप्स क्या आप सक्सेस और नॉलेज स्किल्स और राइट right डायरेक्शन में चलते रहेंगे अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं अगर आपने पीआर अच्छी बनाई है अच्छे दोस्त बनाए हैं नेटवर्क अच्छा है अच्छे लोगों में जाना आना है अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट किया हुआ है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना अच्छा सुनना एक नेमत से कम नहीं है और मुसलसल अच्छे सुनते रहना ये बहुत ही बड़ी नेमत है कि आप अभी बहुत अच्छी कोई बात सुन रहे थे जो आपको डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही थी थोड़ी देर के बाद आपने फुल्ली डिस्टर्ब करने वाली और अजीबो गरीब को कॉन्टेंट देखा जिसने आपको और तरफ ले गया और वो आपको दो दिन दोबारा सोचने का मौका नहीं मिला क्योंकि हाँ मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गई जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसी बात के हवाले से कि आप जनाब एक फर्ज करें आज आप तीन घंटे मुसलसल वॉक करते हैं इस्लामाबाद से वॉक करना स्टार्ट करते हैं तीन घंटे और आप मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तीन घंटे में कोई पांच एक किलोमीटर या दस किलोमीटर सफर कर लेंगे अगर आप एक वीक थ्री आवर्स मुसलसल वॉक करें तो आप कहाँ पहुंचेंगे ठीक है कोई ऑलमोस्ट सौ किलोमीटर आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इसी प्रैक्टिस को हन दिन मुसलसल करते यानी वही वही काम वही सोच उसी डायरेक्शन में मुसलसल काम करते रहे मुसलसल अगर लर्निंग कर रहे हैं अगर रिसर्च कर रहे हैं अगर आप स्किल सीख रहे हैं कोई नॉलेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए मुसलसल यानी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ये वैसे तो दोनों एक ही लफ्ज हैं लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क भी है कि आप मुसलसल वो करते रहे करते रहने से क्या होता है कि आप काफी सारा सफर तय कर जाते हैं मतलब एक है कि आपने सोचा कि मुझे 100 किलोमीटर सफर करना है लेकिन पहुंचना बहुत जरूरी है 100 किलोमीटर का अहदाफ रख लिया लेकिन स्टार्ट अभी आपने दो किलोमीटर करने के बाद आपने सोचा यार ये अभी तो सिर्फ दो ही हुआ है मुझसे तो नहीं होने वाला ये इतना दूर है क्या करूंगा अच्छा चलो सोचा था कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे ये जब इसी तरह के मामला आते हैं तो आप अपने उस प्रायोरिटी से हट जाते हैं आप वो अचीव करने की जो चांसेस है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं सपोज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डल फील करते होंगे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि परेशान और ऐसे मामला होंगे को सोचते होंगे बस मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला मैं निकम्मा था बैक बेंचर था पीछे रह, रहता था निकम्मे दोस्त थे हारा लोगों में, में मेरा उठना बैठना था या मेरा वो विजनरी लोगों को मैंने कभी सुना ही नहीं ठीक है अब सुनना स्टार्ट करता हूँ तो वो ये सारी वो सोचे हैं जो हर शख्स को आती है हर शख्स अपने बुरे फेज में से निकल सकता है अपनी नाकामी के फेज में से निकल सकता है और वो हाई लेवल सक्सेस अचीव कर सकता है अगर मुसलसल करता रहे अब वो जो मैं आपको प्रायोरिटाइज पे पहली बात बता रहा था कि आपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है पीआर डेवलपमेंट पे फोकस करना है और पी आर डेवलपमेंट आपके हर तरह के काम आएगी ये पी आर वो नहीं कि आप कहें कि मेरे तो किसी एम एन ए के साथ ताल्लुका नहीं है तो मेरी अच्छी जॉब नहीं हो सकती ये पी आर वो है जो आपके इल्म में इजाफा करती है अगर आपने कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए क्या इल्म जरूरी है तो वो पी आर चाहिए अगर आपने अच्छी जॉब पे जाना है अच्छा डेजिग्नेशन अचीव करना है तो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो किसके पास है उसमें आपसे सीनियर कौन है उस सीनियर के साथ दोस्ती है किस तरह का रिलेशन है उत्तादिर्द का है दोस्ताना है जो भी है वो एक रिलेशनशिप होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें सेकंड प्रायोरिटी पर रखें अपने करियर को कि आपने रिलेशनशिप तो बिल्ड किए करियर को माइंड में रख के करें ठीक है कि आपने किस तरफ जाना है यानी आज आपको मुसवरी का शौक है तो मुसवर सारे दोस्त बनाए हुए हैं और उनकी टेक्निक्स को आपने शुरू कर दिया है सीखना तो आप राइट डायरेक्शन पे हैं और थर्ड वन कि आप की कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए आप लोगों के काम आ रहे हों और लोग फिर आपके बारे में सोचते हैं लोग कभी डायरेक्टली आपके फायदा नहीं सोचेंगे हमेशा आपने दूसरों का फायदा सोचना है अगर आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो फिर आपका फायदा हर कोई सोचता है ये यानी जैसे सेल्फिश फार्मूला कह लें वैसे तो यानी ये, ये भी सेवन हैबिट में आता है कि आप विन विन अप्रोच पे काम करें तो लेकिन आपने देसी तरीके से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली और किताबों में आपको मसरूफ़ नहीं करूँगा मैं तो बड़ा सादा सादा आपको एग्जाम्पल दूंगा कि आप एक इंटर्नशिप करते हैं सपोज तो इंटर्नशिप में आप एक कंपनी में चले जाते हैं और वहां सेल्स या मार्केटिंग या डिजाइनिंग या प्लानिंग या किसी अकाउंट किसी भी तरह के डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस डिपार्टमेंट के फायदे के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है आप रिसर्च करके परफॉर्म करके दिखाएं अगर आप कंपनी के लिए फायदा कर देते हैं अगर आप सेल्स बढ़ा देते हैं अकाउंट्स सही मैनेज नहीं हो रहे आपने अपनी एफर्ट अपने नॉलेज और बहुत ज्यादा यानी उस प्रैक्टिस करने से उसके बारे में सॉफ्टवेयर सीखें एक नॉर्मल एग्जांपल आपको और भी दे देता हूँ कि आमतौर पर हमारे जितने भी बिजनेस स्टूडेंट होते हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों या कोई और इसी शोबे के साथ मिलते जुलते जैसे एम है एम है एम है एम है अजीबोगरीब डिग्रीएं तो हैं इनके बाद आप या तो मैनेजमेंट में जाते हैं मार्केटिंग में जाते हैं सेल्स में जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं उनमें जाके आपको एक भी सॉफ्टवेयर नहीं आता ना आपको स्किल्स मतलब ना आपको एक्सेल पे काम आता है अगर आता भी है तो सिर्फ डाटा एंट्री आती है उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं आती सही तरह से अगर अकाउंट मैनेज करना है तो आपको एक्सेल शीट पे भी अकाउंट मैनेज नहीं करना आता लंबे लंबे सॉफ्टवेयर पीस ट्री और बुक कीपिंग और बेशुमार और क्विक बुक्स जीरो ये इन चीजों से तो आप मुताअरिफ ही नहीं होते आप सीखते ही नहीं है अगर आप वेब मैनेजमेंट या इस तरफ आते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो आप कंटेंट डेवलपमेंट में लिखना ही नहीं स्टार्ट करते आप कंटेंट क्रिएशन पे रिसर्च नहीं करते आप कीवर्ड एनालिसिस पे काम नहीं करते अगर आप मार्केटिंग की तरफ आते हैं तो आपको एक टूल का नहीं पता होता जिंदगी में देखा ही नहीं होता कि कौन सा टूल होता है मार्केटिंग के लिए अगर कोई होता भी है तो उस पर कैसे काम करना चाहिए आप बिल्कुल लेबर वर्क से भी यानी पीछे रह जाते हैं लेबर वर्क में होता है ना कि कुछ ना कुछ तो पता होता है काम करना आता है जैसे एक लेबर है उसने दीवार खड़ी करनी है तो एग्जैक्टली उसको पता होता है मैंने बैलेंस कैसे करना है ठीक है मजदूर भी सीख जाते हैं काम में आके लेकिन स्टूडेंट का क्या हाल होता है कि वो बस किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा होता है मार्केटिंग के सारे फोर पीज और फोर एस और ये सारी चीजों की समझ होती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कभी प्रैक्टिस करके देखा ही नहीं होता और प्रैक्टिस आपको कोई ऐसे करने नहीं देता डायरेक्टली आपको पैसे दे के प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको पैसे दे के प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए तब भी आप जरूर ज्वाइन करें किसी ना किसी इदारे को किसी ना किसी दोस्त को आ, ऐसे लोगों को ऐसे इदारे को ऐसी जगह को आप जरूर ज्वाइन करें जहां आपको लर्निंग मिल रही हो और एट द एंड मैं डिस्कस करूंगा अपने साइंटिफिक पाकिस्तान और आई सरकार के हवाले से आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूं कि इसमें मैनेजमेंट और मार्केटिंग और सेल्स और बाकी ढेर सारे शोबे इसमें एकदम से काम कर रहे हैं और साइंटिफिक पाकिस्तान में तो मोर देन फिफ्टी ट्रेनिंग और इसके अलावा यानी हम सैकड़ों और किस्म के uh, शोबा जात को लेके आ रहे हैं कि हम बहुत सारी हजारों स्किल्स को इस साइंटिफिक पाकिस्तान में लेके आए और बच्चों को जो प्रॉब्लम है बच्चे जो नहीं सीख पा रहे सॉफ्टवेयर्स या ट्रेनिंग या माइंड डिवेलपमेंट सेल्फ डिवेलपमेंट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे तो उनको एग्जेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए ताकि वो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें और दूसरा आई टी सरकार हमारा एक ब्रांड डेवलपमेंट कंपनी है जिसमें हम पाकिस्तान की बहुत अच्छी अच्छी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वो भी जो यानी करोड़ों का और अरबों का कारोबार कर रहे हैं उनको बहुत सारी यानी अब वो सैकड़ों में हो चुकी हैं कंपनी जिनको हम अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और उनका ब्रांड स्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं वो थ्रू टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है बहुत सारे डिवाइसेस और टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंटरनेस हैं हमने वर्चुअल इंटरनेस भी बहुत सारे रखे हुए हैं ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही है क्योंकि हमने भी बड़ा सोचा बड़ा अचीव करने के लिए छोटे 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 स्टेप सालों से लेते आ रहे हैं और आज ये है कि मैं आपके सामने हूँ और इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे सेशन हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को हम सिखा पा रहे हैं बहुत सारी कंपनीज को सर्विसेज दे के पैसे कमा रहे हैं ये तभी मुमकिन है कि हमने भी बड़ा सोचा बड़ा सोच के बड़ी स्किल्स पे काम किया बहुत सारी प्रैक्टिस की अपने भी पैसे लगाए और दूसरों को फायदा पहुंचा के भी अपनी लर्निंग बढ़ाई आई होप आप इस सेशन से कम से कम इतना जरूर सीखेंगे कि अपनी एक लिस्ट डेवलप करें आपको क्या आता है क्या नहीं आता जो आपको नहीं आता वो किसको आता है इसके साथ ही मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशीन अगर आप मौजूद हैं तो दोबारा से ज्वाइन कीजिए ताकि हम इस बात को कंप्लीट कर सकें थैंक यू वेरी मच यासिर साहब वी आर रियली थैंकफुल हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे बच्चों के साथ आज बात की और मुझे यकीन है कि हम सभी uh, जो कुछ टीचर्स भी हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं हम एक थिंकिंग प्रोसेस अपना दोबारा से स्टार्ट कर सकेंगे तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए हमारे साथ बात की तो सर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स से ठीक है सर जी श्योर टाइम मिनट ठीक है तो स्टूडेंट्स आप में से जो कोई सवाल करना चाहता है काइंडली रेज योर हैंड तो हम आपको जो है अनम्यूट करके आपका सवाल लेते हैं और यासिर साहब उसके बारे में आपको गाइड करेंगे Any questions from participants? Uh, इरम, इरम, yes. Assalamualaikum, sir. sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला है की आप list बनाए और उसके ऊपर आप implement करें मैंने अपनी लिस्ट बनाई है उस पर फॉलो अप कर रही हूँ लेकिन हम जब किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमें बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट होती है तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करें आपने भी ऐसा किया होगा तो आप किस तरीके से अपनी चीजों को हैंडल करते थे जब आप डिसअपॉइंट होते थे देखिए इसमें मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि मैंने भी फेस किया कि आप किसी कंपनी के फायदे के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं सीखते हैं और इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उस कंपनी क्या जो भी हायर अथॉरिटी होती है जिनको आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं उनको आप अपने आइडियाज देते हैं और वो आइडियाज पे काम नहीं करते वो आपकी बात नहीं सुनते ऐसे ही अच्छा आप यकीनन आप यही पूछना चाह रही होंगी और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि जब किसी का करोड़ों का कारोबार हो तो वो आपको तजर्बा करने के लिए अपनी जगह मुहैया नहीं करता ये कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन आप देखें कि आपने मैं आपको ये भी एग्जाम्पल दू कि आपने कभी भी किसी हाई लेवल कंपनी में जाके अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें आप बिल्कुल ऐसे यानी खटारा कारोबार को ज्वाइन करें जहां आपके आइडियाज को बड़े ध्यान से सुना जाए ठीक है अगर आप एक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में चले जाते हैं बड़ी कंपनी में चले जाते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं या जहां ऑलरेडी बड़े स्याने और पॉलिश लोग हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगाएंगे आपको सिर्फ हार नहीं मानना आपको बजाय दिखाने और बार बार डिस्कस करने के इम्प्लीमेंट करके दिखा दे समाइम होता है कि आपने यानी जैसे एक कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी डेवलप की या आपने कोई मार्केटिंग टूल यूज करना है और आप कहते हैं कि मैं जिस तरह से मार्केटिंग करूंगी आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे आपकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी और कंपनी आपकी बात नहीं मानती तो उसको आप अपने ओन पे जरूर एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उनको रिजल्ट दिखाएं कि देखें ये, ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आपको ये बेनिफिट मिला उससे एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ने के चांस होते हैं

या किसी प्लान पे काम करते हैं तो हम इसको एवेल कैसे करेंगे या हमें कैसे पता चलेगा या इसको हम कैसे चेक रिस्ट करेंगे कि हमारा प्लान सही जा रहा है या हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं जी बिल्कुल सही देखें अफजाल इसमें होता ये कि आपको किसी भी शोबे में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपने सोचा तो ऑलरेडी हर शोबे में सीनियर्स मौजूद हैं ठीक है थेके? अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक प्रोफेसर से सारी डायरेक्शन लेनी चाहिए कि कैसे एक शख्स प्रोफेसर बन सकता है एक यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचते हैं आप यूनिवर्सिटी में, में सिलेक्शन कैसे होती है अगर एक शख्स ने मैनेजेरियल पोस्ट अचीव की है या डायरेक्टर की पोस्ट अचीव की है तो आपको उस डायरेक्टर से पूछना चाहिए अगर आप एक बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं आइडिया बेस्ड बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो जो आपका आइडिया है उससे रिलेटेड मिलता जुलता काम यकीन आपको हमारे साथ भी मिल जाएगा हम वेरी सोन एक प्रोग्राम uh, लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बनाए कि इनक्यूबेशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू बिजनेसिस को तो हम भी न्यू uh, बिजनेसिस को एकोमोडेट uh, करने जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इसको सी एस डिपार्टमेंट तक महदूद कर सकी है या चंद और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर पाई है जो टेक्नोलॉजी और आई टी बेस्ड है लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में साइंसेस तो बहुत सारी हैं तो हम बाकी सारी साइंसेस बहुत पीछे रह गई हैं इवन वो लोग भी जो साइंटिस्ट हैं जिनकी एजुकेशन एम फिल पी एच डी और पोस्ट डॉक्टरेट और पूरी दुनिया का एक्सपोजर है लेकिन वो भी अपना बिजनेस अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाते तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको जो भी टेक्निकल स्किल्स मार्केटिंग स्किल्स सेल्स स्ट्रेटजीज किसी भी तरह की हेल्प चाहिए माइंड डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें और स्पेशली अगर आप जॉब के वाले से पूछ रहे हैं तो जॉब में भी आपको खुद से सीनियर खुद से ज्यादा पॉलिस्ड इंसान की आपको जूतियां भी उठाने पड़े ना तो आप उठाएं मैं इसको यूं कहूंगा जैसे पहले उस्तादों का एहतराम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता था और उस्ताद जाहिर रिवॉर्ड में जिसे हम आम तौर पे ना कहते हैं कि टीसी टीसी करने का फ्लांश एक्स बड़ा काबिल है ना तो वो टीसी सी लफ्ज गलत है अंदाज उसमें गलत हो तो टीसी में चला जाता है अगर वो अंदाज वाकई सीखने वाला है क्योंकि टीसी में वो चीज़ शुमार होती है जिसमें आपने सीख नहीं रहे होते सिर्फ ना ऐसे यानी सर 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 कर रहे होते हैं कि सर आपने कोई चाय पीनी है पानी पीना है बुक्स उठा लो मैं आपका बैग उठा लू ये इज्जत देना नहीं है इज्जत देना उस्ताद के लिए तो इज्जत देना ये कि उस्ताद ने जो समझाया या मेंटोर ने जो आपको बात बताई आप उस पर एग्जैक्टली exactly वैसे काम करना स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट्स लाना शुरू कर दिए और वो तो टीचर को फौरन समझ आ जाती है कि ये कितना अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है या इवन कोई दोस्त भी हो वो आपको अच्छी सलाह दे और अच्छा मशवरा दे और आप उसको कहें ओ यार तू तो तो ठीक है अपने लिए तो कर नहीं पाया तो ये एक तो लिसनिंग एबिलिटी दूसरा इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी ये दोनों आपको वहां पहुंचाने तक काफी अहम रोल प्ले करते हैं। If you have any question, you may raise your hand and we can take your question. Assalamu alaikum, sir. Wa aslam, sir, can you hear me? please. So my question is, sometimes, uh, you know, we plan, but sometimes uh, what we plan is we started to overthink about that plan. So is it bad? Is it bad for our uh, goal? So our planning is bad for our, uh, for getting our goal. Can you please elaborate this as well? Because sometimes uh, for me, uh, I started to overthink. about my plan, what I want to achieve. So, uh, मेरा ख्याल है जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्लानिंग में लगे रहते हैं और उसको जो अचीव करना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ज्यादा देर लगाते हैं Is it? अगर ऐसा ही है तो आप जनाब ये देखें कि जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं तो आप उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को डिफाइन करते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि पांच साल बाद आपने करनी होती हैं लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज करते हैं यानी लिखते हैं कि मुझे ये भी करना है अभी तो मैं यहां हूं अभी मैं एक सेकंड स्टेप पे हूं थर्ड स्टेप पे हूं और वो टेंथ स्टेप तक मैंने जाना है राइड डाउन सारे कर लिए वो राइड डाउन करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा ठीक है वो आपको यानी वो जो सेकंड स्टेप पे खड़े हुए हैं वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं जा ठीक रहा हूं रास्ता ठीक है अचीव देर से होगा और दूसरा ये भी है कि आपको जब आप मुसलसल एक काम को सही तरह से कर रहे होते हैं ना तो फिर वो आपको ये वाजी पता चल रहा होता है कि ये अभी करने वाला काम नहीं है यानी जो दस साल बाद सपोज यानी आपने एक हेड ऑफिस बनाना है इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में तो आप उसकी प्लानिंग अभी आपने शादरा में या कहीं शमशाबाद में एक दुकान भी किराए पे नहीं ली इनिशियल स्टेप ठीक है और प्लानिंग उसकी हो रही तो वो वो तो एक फारे काम है ना वो तो मतलब सोचना अच्छी बात है कि वहां तक जाना है वहां तक जाने के लिए जो स्टार्ट करना है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को माइंड में रख के फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी प्लानिंग रखें क्योंकि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हमारी प्लानिंग सम होती हम या तो हम पैसों के हिसाब से सही नहीं सोचते या हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे पास होना रहे, है नॉलेज है स्किल्स हैं उसके मुताबिक नहीं सोचते तो बस ओवर प्लान करते रहते हैं टाइम ये भी होता है कि हम जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरों से कराने के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके लिए बजट भी नहीं होता तो ये भी एक ओवर थिंकिंग है ओवर प्लानिंग है जो कि यानी प्लानिंग का पार्ट नहीं है आपके लिए वो राइट right नहीं है लेकिन आप उसको कर ही जा रहे हैं कि बस यू हो जाए ये बंदा मिल जाए ये हो जाए तो ये हो जाएगा आई होप आई गिव यू आंसर ओके लेटेस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन I think there is no more question. Okay.